हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ देसी चाय। तो उसके लिए जो सामान मैंने लिया है उसमें ये देखें, मैंने लिया है ये देसी चाय, लिए साथ में लिया है थोड़ा से लौंग और इलायची, ये लिया है मैंने दूध, और ये सौंफ, अजवाइन और हाफ ग्लास पानी। तो हम देसी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सबसे पहले गैस पे पैन रखा है, तो इसमें हम डाल देंगे हाफ ग्लास पानी यानी वाटर, और साथ ही इसमें हम डालेंगे हाफ स्पून सौंफ, हाफ स्पून अजवाइन, और इसको बॉईल करेंगे। अब ये देखें, ये सौंफ और अजवाइन पानी में जो बॉईल हो गई है, इसमें मैं डालूंगी ये पिसी हुई इलायची और लौंग, और इसको भी थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी हाफ स्पून देसी चाय। देसी चाय जो है हमें बाजार से इजली मिल जाती है और बड़ी टेस्टी चाय बनती है, और इसको बॉईल कर लेंगे। अब चाय को मैंने बॉईल कर लिया है, इसमें हम डाल देंगे ये हाफ ग्लास मिल्क यानी दूध, और इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये चाय बॉयल होने वाली है तो इसमें अब हम चीनी डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी का डाल देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो। हाँ जी, ये देखिए अब ये चाय जो है अच्छी तरह बॉयल हो गई है। मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह बॉयल कर लिया है। तो एक्चुअली मुझे ना कम बॉयल वाली चाय पसंद ही नहीं है, उसमें कच्चे दूध का टेस्ट आता है। तो ये चाय बन के तैयार है, अभी मैं आपको इसको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी चाय और टेस्टी, इतनी खुशबू आ रही है ना पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मैंने ग्लास में चाय डाल दी है। ये देखिए कितना सुंदर पिंक पिंक कलर आया है, देसी चाय का ना कलर बड़ा सुंदर आता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारी देसी चाय बन के तैयार हो गई है। ये देखें कितनी टेस्टी लग रही है। तो इसी तरीके से आप बनाएं, और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।